पूरे बहुत बड़ा यहाँ की आंतरिक सुरक्षा को पूरे दुनिया के अंदर पेट्रोल और गैस के माध्यम से अलकायदा, तालिबान और दूसरी दुनिया आईएसआई जैसी कब्जा करके भैया एक ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया गया है जिसका मकसद है दुनिया के खजाने को ऑयल और गैस को लूटना। उसने एक वहावियत को लूट ले रखा है। उसमें जो सबसे ज़्यादा परेशान है वो है सभी समाज से संबंधित लोग, उसमें चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी मजहब के हो। कम से कम 50 करोड़ लोग इस पूरी क्राइसिस में, इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस जंग में जो वहावियत और सल्फियत ने माइटी पावर्स के इशारे पे पूरी दुनिया में, पूरे जगत में छेड़ रखी है, उससे परेशान है। यही हमारे भारत को भी परेशान किए हुए। अहमद जवारी ने अलकायदा के माध्यम से जो भारत को संदेश दिया है उसकी आज भर्त्सना करने और ऐसी ताकतों के खिलाफ हम, क्योंकि भारत को या भारत में बैठे हुए लोग ही नहीं समझ रहे हैं, वो समझते हैं हर मुसलमान जो है वो एक ही दृष्टि से इस चीज़ को देख रहा है। हम ये बता रहे हैं कि 85% और 90% हिंदुस्तान का मुसलमान सूफी है, वो मुल्क से मोहब्बत करता है और हमारे देश की तरफ कोई भी खतरा, वो चाहे अलकायदा के रूप में हो, वो अहमद जवारी के रूप में हो, वो इख्वानुल मुस्लिमीन के रूप में हो, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के रूप में हो, हम उसका काउंटर करने में सक्षम हैं और मुसलमान ऐसी किसी भी ताकत को भारत में घुसने नहीं दिए। सैयद बाबर अशरफ, फाउंडर, प्रेसिडेंट, सदाए सूफी आई।